हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम 17 मार्च 2020 के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, हमारे काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज एनसीईआरटी के और स्टैंडर्ड बुक्स के शेड्यूल वाइज आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाके आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। पीएम मोदी डिड वेल टू इंगेज विद लीडर्स ऑफ साउथ एशिया ऑन कैम्बेटिंग कोविड-19। पीएम मोदी की तारीफ हो रही है कि उन्होंने किस तरीके से पॉलिटिक्स को साइड में रख के साउथ एशिया के लीडर्स के साथ मिलके कोविड-19 को कॉम्बैट करने की कोशिश की, उस लोगों को लीडर्स को इंगेज करने के लिए जो है आमंत्रित यहाँ पे किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की सार्क जो कि 8 मेंबर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ, और बेसिकली ये दर्शाता है कि किस तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग यहाँ पे हमारी है भारत की, कि हम दुनिया इस तरीके से कोविड-19 का पेंडेमिक फेस कर रही है और हम यहाँ पे एसोसिएशन मिलके जो है इनसे लड़ना चाहते हैं। पेंडेमिक्स पॉलिटिकल बॉर्डर्स तो रिकॉग्नाइज करती नहीं है कि चाइना में हुआ था तो चाइना में ही रहेगा या चाइना के दुश्मनों के पास जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। पेंडेमिक्स कहीं भी हो सकता है, और इस मुसीबत के समय में आज के टाइम पे पड़ोसी जो देश हैं नेबरिंग कंट्रीज़ के पास जाना सबसे ऑब्वियस कोर्स ऑफ एक्शन है। अगर आप साथ मिलके ही काम नहीं करोगे तो आप कैसे लड़ पाओगे। तो कुछ घंटों तक ये डिस्कशन चला, 1 घंटे तक ये डिस्कशन चला अफगानिस्तान, मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका के लीडर्स के साथ। और बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली कि पाकिस्तान के पीएम नहीं आए। पाकिस्तान के पीएम की जगह वहाँ के जो स्पेशल असिस्टेंट ऑन हेल्थ है पीएम के पाकिस्तान में, वो आए। अब इन्होंने एक तरीके से नाराज़गी दिखाई, और सार्क में हमेशा से यही प्रॉब्लम आ रही है। शुरू से सार्क में पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है। 2016 में लास्ट मीटिंग होने वाली थी इस्लामाबाद की, लेकिन यूरी अटैक की वजह से हमने कैंसिल कर दिया, हमने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो तब से जो है हम सार्क को जो है नज़रों से हटा लिए हैं। फर वजह यह है कि एक तो भारत और पाकिस्तान के बीच बनती नहीं है, और भारत जब भी कुछ ऐसे यूनिवर्सल इशूज़ उठाने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान बायलेटरल इशू ले आता है, जैसे पाकिस्तान वो जैसे कश्मीर। तो सार्क के साफ ये था, सार्क के पूरे जो ऑब्जेक्टिव था उसमें लिखा हुआ है चार्टर में कि भैया बायलेटरल इशूज़ नहीं लाओगे आप, लेकिन फिर भी जो है पाकिस्तान यहाँ पे ऐसे कोशिश करता है कि कश्मीर का मुद्दा उठाया जाए। और अभी भी जो लाइव कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी कोशिश की गई कि इसका मुद्दा उठाया जाए। तो अब धीरे धीरे जो है बात चल रही है, और वीडियो कॉन्फ्रेंस एक इशारा है कि हम किस तरीके से सार को रिवाइव करना चाहते हैं। ये जो वायरस जिसने लाखों लोगों को इफेक्ट किया है और हज़ारों लोगों की जान गई है इसमें, तो एक तरीके से हमने कोविड-19 इमरजेंसी फंड भी इसने प्रपोजल करने की कोशिश की भारत ने। $10 मिलियन हमने कंट्रीब्यूट करने की जो है यहाँ पे बात कही, और यही नहीं बल्कि टास्क फोर्स भी हमने बनाने की कोशिश की कि रैपिड रिस्पॉन्स टीम हम बनाएंगे मुसीबत के समय कभी भी कहीं भी ज़रूरत पड़ जाए तो। देखो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अलग अलग चैलेंजेस हैं, क्योंकि चाइना के बाद अगर आप देखें, चाइना के बाद सबसे ज़्यादा इटली में केस है, इटली के बाद ईरान में केस है, और ईरान के पड़ोसी अफगानिस्तान पाकिस्तान है बिल्कुल क्लोज, और अफगानिस्तान पाकिस्तान में इतने सारे केसेस आ रहे हैं तो ज़रूरत बनती है कि हम उनके साथ मिलकर काम करें। और ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ ही है, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका जो कि केवल और केवल टूरिज्म पर टिके हुए हैं, उनकी इकोनॉमी में असर पड़ा है। और वायरस का स्प्रेड ऐसे तो आप देखो साउथ एशिया में 300 केस आए हैं बस, वर्ल्ड वाइड अगर आप देखो तो मच लोअर इंसिडेंस हैं ग्लोबली, लेकिन कम है। इसका मतलब ये नहीं कि बढ़ नहीं सकता, और बढ़ सकता है तो इसका मतलब ये नहीं कि रोक नहीं सकते। इसके लिए जस्ट सार्क कॉन्फ्रेंस जरूरी थी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है ना, बजाय कि दुनिया से अगर हम देखें पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है तो यहाँ पे बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और ध्यान रखना, एक बार अगर साउथ एशिया में आउटब्रेक ज़्यादा हो गया तो जितने लोग बाहर डेथ हुई है ना उतनी ज़्यादा हमारे यहाँ पे हो जाएगी, अगर आप रेस्पेक्टिवली देखेंगे तो। यहाँ पे चिंता ये हो रही है कि क्या हमारी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इससे लड़ सकती हैं, क्या सार कंट्रीज मिलकर इस वायरस से डील कर सकती हैं। बात तो शुरू हो गई, कितना काम यहाँ पे हो सकता है। चलो कम से कम एक मैसेज तो गया कि हम रीजन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और ये जो फैक्ट कि हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की लाइव,
ये हमारी इच्छा को दर्शाता है कि हम सार्क रीजन साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में जो रीजन है खास करके, उनकी पब्लिक को जो है हम रीअश्योर करवाना चाहते हैं कि देखो हम साथ साथ हैं। मैसेज तो चला गया कि हमने, हम और कंट्रीज के साथ इंगेज करना चाहते हैं। ये जो सार्क नेबरहुड ग्रुपिंग थी, इसको मोरीबंड बता रहे हैं राइटर। मोरीबंड यानी जो मतलब लाइव नहीं हो, मोरीबंड यानी बेकार पड़ा हो पिछले कुछ समय से। तो हम बिमस्टैक में नहीं गए, हम BBIN की तरफ नहीं गए, हम इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की तरफ नहीं गए। तो इनकी तरफ ना जाके बिमस्टैक, जिसको हम ऐसे मान रहे हैं कि हाँ अब इसको हम आगे लेके जाएंगे, क्योंकि इसमें पाकिस्तान नहीं है। जो सार्क की जो कंट्रीज हैं वो सारी बिमस्टैक में है, पाकिस्तान के अलावा और एक और कंट्री मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो बिमस्टैक की तरफ ना जाते हुए हम सार्क की तरफ जा रहे हैं, कि दर्शाता है कि हम वापस जो है इसको रिवाइव करना चाहते हैं। और ये जो समिट हुई, इसको आप कहोगे 2014 के बाद सबसे हाई लेवल समिट हुई है, क्योंकि 2016 में समिट जो होनी थी, देखो 2014 में समिट हुई थी, 2016 में समिट होनी थी, र्यूरी अटैक हो गया, पोस्टपोन हो गई, उसके बाद आज तक अटैक नहीं हुई। और अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें वापस पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का इशू उठाने की कोशिश की, PM इमरान खान एब्सेंट थे। क्यों भाई, पाकिस्तान में क्या कोरोना वायरस नहीं हो रहा क्या, है ना आउटब्रेक, तो फिर PM खान क्यों नहीं आए, क्योंकि उनकी जो है फिर वही बात कश्मीर पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो एटीट्यूड उनका जो है वो सार्क को कभी आगे बढ़ने नहीं देगा, लेकिन पाकिस्तान जो है वो नहीं आए तो भी चलेगा, क्योंकि नेपाल श्रीलंका भूटान को जो है हमने उनको एडवाइस दी गए कि ये ईजी नहीं है, लेकिन आप जो हैं जिन्होंने हमको एडवाइस दिए कि ये इंडिया और पाकिस्तान मिलकर काम करें, लड़ाई ना करें, क्योंकि सार्क के 2 लार्जेस्ट मेंबर्स हैं। और ये ज़रूरी है देखना कि भारत जो है पॉलिटिक्स को साइड में रखकर किस तरीके से और अभी पेंडेमिक को डील करने की कोशिश कर रहा है, जो कि ना केवल इंडिया की बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज बन गया। फाइट फॉर द इनफाइनाइट हेल्थ बजट। अच्छा, कोरोना वायरस आया तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेगी जो पॉजिटिव हुई हैं, कि एक तो हेल्थ एक्सपेंडिचर अब बढ़ सकता है, दूसरा लोग जो कम्युनल इश्यूज थे उनसे बढ़कर लोगों ने सोचा, अब आगे बढ़ा, लोग अब वास्तव में क्लाइमेट चेंज को सीरियसली लेंगे। कुछ इंडस्ट्री थी जो फल फूल गई, जैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लासेस और सब वगैरह, जो भी आप ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस, लेकिन हेल्थ बजटरी एलोकेशन पे अभी भी सवाल उठ रहा है, जो कि सबसे बड़ा सवाल है इन सब सवालों में से, कि आखिर यहाँ पे एक समय ऐसा आएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि मटेरियल रिसोर्सेज फाइनाइट हैं। हम ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल जितनी मर्जी बना सकते हैं, ज़मीन हमारे पास लिमिटेड है, बिल्डिंग मटेरियल हमारे पास लिमिटेड है, बेड हमारे पास जो है लिमिटेड है, ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है। तो एक समय ऐसा आएगा जो खास करके इस पेंडेमिक के समय, कि डिमांड जो है वो सप्लाई को एक्सीड कर जाएगी, जितनी डिमांड होगी जितनी सप्लाई होगी उससे ज़्यादा डिमांड हो जाएगी। और सार्क कोविड जो टू है, सार्स जो कोविड टू जिसको COVID-19 भी कहते हैं, उसके पॉजिटिव केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं और डेथ्स भी बढ़ रही है, प्रश्न ये है कि क्या हमारे नेशनल और हेल्थ स्टेट हेल्थ सिस्टम इससे लड़ पाएंगे, खास करके जो डिमांड बढ़ती जा रही है। अभी इसराइल ने रिक्वेस्ट की, अभी लीक हुई है ये चीज़, कि इसराइल के PM ने रिक्वेस्ट की मोदी जी से, हमारे PM से, कि भारत से, कि आप जो है एक्सपोर्ट आपने रोक रखा है मास्क वगैरह का, इसको हटा दो ताकि इसराइल को जो है मास्क मिल सके। तो पहली बात तो हमने रोक क्यों लगाई, ताकि हमारे देश में इसकी कमी ना हो। इसराइल अगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो डिमांड्स इतनी तेज़ी बढ़ रही हैं टेस्टिंग किट्स की, हॉस्पिटल बेड्स की, वेंटिलेटर्स की, मास्क की भी, हैंड सैनिटाइज़र की भी। ये जो डिमांड बढ़ रही है, ये बेसिकली आप देखोगे प्रोडक्शन हमारा पुराना है, अभी भी हमारा प्रोडक्शन जिस तरीके से हुआ है अब तक, वो दर्शाता है कि क्यों जो है हम डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे। हमारे जो हेल्थ केयर रिसोर्सेज हैं काफ़ी लिमिटेड है और काफ़ी अंडर स्ट्रेस में है। क्यों ऐसा, क्योंकि बजटरी एलोकेशन सही नहीं हुआ भाई। ऐसी बीमारी जिसका कोई नाम नहीं था, जिसका कोई कैरेक्टर नहीं था, चाइना में जो ओरिजिनेट हुई और जिस तरीके से कैपेसिटीज़ की भर्ती दिखी, चाइना खुद सदमे में आ गया, रिकॉर्ड टाइम में इसने हॉस्पिटल बनने की कोशिश की, इसके हेल्थ सिस्टम जो है स्ट्रगल कर रहे हैं,
तो रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि इटली में भी काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ा है, वहाँ भी हेल्थ सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस झेल रहा है। इंडिया में हाल ही में कम केसेस हैं, लेकिन दुनिया से हम पता चल सकते हैं कि जब चाइना जैसा जिसका हेल्थ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, हमारा किस तरीके से जो है इससे डील कर पाएगा। तो ये प्रश्न को हम इग्नोर नहीं कर सकते, हवा में नहीं उड़ा सकते कि क्या हमारा हेल्थ सिस्टम इतना रोबस्ट इनफ है कि हम इस इमरजेंसी से हम लड़ सकें। लेकिन जो जवाब आता है इस सवाल का, वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता, क्योंकि इंडिया का हेल्थ एक्सपेंडिचर की मैं बात करूँ तो केवल GDP का 1% रहा है। और कुछ डाटा है आपके सामने जो बताता है किस तरीके से जो है यहाँ पे एक्सपेंडिचर तो बढ़ा है, लेकिन पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा है, लोग अपने पैसों से खर्च कर रहे हैं, सरकार की तरफ से जो है यहाँ पे खर्चा बहुत कम आ रहा है। तो ये जो अफोर्ड्स लगाए गए सरकार के द्वारा भी, क्या ये सफिशिएंट थे? क्या जो डिफरेंट राज्यों में डिफरेंट स्टेट्स में जो पब्लिक सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ा? सबूत है यहाँ पे दिखाने के लिए कि अगर पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ती है हेल्थ केयर पे, तो कम्युनिटीज़ के लिए फाइनेंशियल हार्डशिप, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती हैं। भाई सरकार आप पे अगर खर्च कर रही है तो आप अपनी बीमारियों के लिए पैसा क्यों खर्च करेंगे? आप पैसा कहीं और लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, एजुकेशन में लगाएंगे, बेटर हेल्थ आउटकम्स आएंगे, ट्रस्ट बढ़ेगा। तो जहाँ भी पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ी है वहाँ पे ऐसा होता है। पीएम मोदी ने प्रॉमिस किया था कि 2025 तक GDP का 2.5% में ला दूंगा पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिंग को, GDP का 2.5% हो जाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को अपने प्रॉमिस को देखना चाहिए, इस स्थिति को समझना चाहिए और इस स्थिति को एक चैलेंज के साथ एक अपॉर्चुनिटी भी देखनी चाहिए कि हम अपने बजटरी एलोकेशन बढ़ाने की कितनी ज़रूरत है हमें। क्योंकि एपेडमिक्स जो आते हैं ऐसे, वो बेसिकली इतिहास का रास्ता चेंज कर देते हैं, पूरा इतिहास जो है उलट पलट करके रख देते हैं। तो इंडिया को जो है वो देखना चाहिए कि हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो फाइनेट रिसोर्सेज हैं, वो सबको बेनिफिट दें। इस तरीके से हम काम किया जाए हमारे देश में कि सारे रिसोर्सेज जो हैं वो जितने भी हैं वो सारी पॉपुलेशन को बेनिफिट करें। ऐसा नहीं है कि केवल जो रिच जो पीपल है वही ये सब इसका मजा लूट पाए। फ्रॉम वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग टू रियल लीडरशिप, सार की बात इसमें हो रही है। अब देखो सार की बात इसमें हो रही है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सडनली इसमें एक नई जान आ गई और जिस तरीके से एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई इस ट्रबल्ड रीजन में, जो रीजन में म्यूचुअल डेफिसिट है, म्यूचुअल सस्पिशन है, पाकिस्तान और भारत का इशू है, कश्मीर का इशू है, आपस में संदेह है, लीस्ट इंटीग्रेटेड है, व्यापार बहुत कम है, इस ट्रबल्ड रीजन में अगर इस तरीके से सार्क की रिवाइवल होगी तो हो सकता है कि हम जो है इस एपेडमिक को भी रोक पाएँ। ऑल आइज ऑन इंडिया, भारत पर निगाहें सबकी हैं, क्योंकि सार्क की बात करूँ तो भारत सबसे लार्जेस्ट पावर है और बिगेस्ट पावर है। भारत ने ये दर्शाया हाल ही में कि किस तरीके से इसकी कैपेसिटी है, और कैपेसिटी ही नहीं बल्कि इच्छा भी है, पॉलिटिकल विलिंगनेस भी है कि वो एक कोऑपरेटिव रिजिमे की जो है शुरुआत कर सकता है, इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकता है इस रीजन में, साउथ एशिया में सार्क के जरिए। हालांकि पाकिस्तान का बिहेवियर बना रहेगा लेकिन इसका इफेक्ट सार्क में इतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जो हैं अब इंटरनेशनल रिलेशंस के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये अब एक शुरुआत है हेजेमोनिक स्टेबिलिटी की। तो यहाँ पे इंडिया की लीडरशिप में टेस्ट होएगा, एग्ज़ाम है इंडिया का कि किस तरीके से जो है हम आगे बढ़ेंगे। इस्लामाबाद पाकिस्तान तो करता ही रहेगा, तो शुरू में जो स्टेप्स अनाउंस किए गए ये नहीं केवल वीडियो कॉन्फ्रेंस करके छोड़ दी, एक इमरजेंसी फंड बनाया गया $10 मिलियन का, टास्क फोर्स बनाई गई, रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई, ठीक है। ये जो है एक तरीके से बता रहे कि हम किस तरीके से शुरुआत और एक्शन लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा तैयार हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ हमको करना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो कॉन्फ्रेंस केवल एक इवेंट नहीं थी बल्कि एक एक्सप्रेशन था कि हम किस तरीके से रीजन को स्टेबलाइज करना चाहते हैं थ्रू कोऑपरेटिव मैकेनिज्म, हमारे कॉमन फ्यूचर के लिए, बिना किसी पाकिस्तान के हथकंडे के, पाकिस्तान के किसी एक्शन के या पाकिस्तान के किसी डिस्टरबेंस से हम उसको जो है डिस्टर्ब करें खुद को। पाकिस्तान कितना भी चाहे कश्मीर का मुद्दा यहाँ पे उठा ले, तो दिस इज़ अ मूवमेंट फॉर आर रेयर अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, रेयर अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए कि हम अपने रीजन में वापस अपना विश्वास ला दें, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, तो ताकि हम एक पार्टनरशिप को सिक्योर कर पाए हमारे शेयर्ड डेस्टिनी के लिए। हमारा जो साउथ एशिया रीजन है वो आगे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा,
तो हमारा जो भाग्य है वो लिखा हुआ है कि हम तेज़ी से बढ़ेंगे, तो उसके साथ हम जो है मिल के काम करें। सार्क 1980 के दशक में आया था, आपको याद होगा, जब बांग्लादेश के जनरल जिया उर रहमान ने कोशिश की थी पर्सनली कंट्रीज़ के साथ मिलके अपने जो एम्प्लॉइज़, अपने जो एनवॉइज़, अपने जो डिप्लोमेट्स हैं भेजें और कोशिश की कि इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन बने। और बांग्लादेश की कोशिश की वजह से 1985 में लीडर्स बने, पहली बार मिले, और इस तरीके से सार्क का जो है निर्माण हुआ। 2007 में अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया, 35 साल हो गए इसके एग्जिस्टेंस को अगर मैं बात करूँ। लेकिन इतना जो सपना देखा था पाकिस्तान, बांग्लादेश के फाउंडर ने, मतलब सार्क के फाउंडर ने जो कि बांग्लादेश के थे, वो सपने, वो प्रॉमिस ये सार्क अभी तक पूरा नहीं कर पाया। क्यों? वजह है म्यूचुअल सस्पिशन, आपस में शक है, आपस में संदेह है। और यहाँ पे साउथ एशिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लीस्ट इंटीग्रेटेड है, मतलब सार्क कंट्रीज़ जो है दुनिया के साथ इतना ट्रेड करती हैं, जितना ट्रेड सार्क कंट्रीज़ का है 5% सार्क रीजन में होता है। भारत जितना ट्रेड करता है दुनिया में, बहुत कम जो है वो ट्रेड आपस में हमारी साउथ एशियन कंट्रीज़ करती हैं। ऐसे तो इस चीज़ पे काम करते हुए 2006 में साउथ एशियन फ्री ट्रेड जोन एग्री हुआ था, लेकिन केवल वो एक जो है एक तरीके से केवल ऐसे मान लो कि बस बन गया, उसका कोई काम उस पर हो नहीं रहा। और सार्क समिट जो है जो 2016 में कैंसिल भी हो गई थी, जो मैंने आपको शायद अभी मैं इस वीडियो में तीसरी बार बता रहा हूँ, तो उसके बाद से कोई समिट हो ही नहीं। तो अगर हम देखें कि लोकसभा और राज्यसभा में भी कुछ प्रश्न पूछे गए सार्क के ऊपर कि अगर सार्क इतना ज़रूरी नहीं है, सार्क के साथ अगर मीटिंग नहीं हो रही तो सार्क के मेंबर क्यों हो, निकल क्यों नहीं जाते, बिमस्टेक पे फोकस क्यों नहीं करते, बिमस्टेक की स्ट्रेंथ क्यों नहीं बढ़ाते, तो सार्क जो था वो कुछ सालों में बिल्कुल हमारी नज़रों से निकल गया था और बिल्कुल जो है हम इसको एक तरीके से भूल गए थे कि ये कभी काम आ सकता है। लेकिन आप देखोगे कि इस इतिहास में सार्क के कुछ मूवमेंट्स हैं, जब कोशिश की गई थी कि पाकिस्तान ने भी जो है यहाँ पे, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कश्मीर वाले इशू को साइड में रख के कोशिश की थी। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो यहाँ पे अभी भी जो है सार्क का कुछ सक्सेस निकल के आया नहीं, सार्क का ओवरऑल अचीवमेंट निकल के आया नहीं। फेलर के रीज़न ही है, फेलर के रीज़न बहुत सारे हैं कि एक तो यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट जो है सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि सार्क में जो है बायलैटरल इशूज़ नहीं डिस्कस किए जा सकते, सार्क का नियम है, रूल है। और क्योंकि यहाँ पे जो भी बात होगी यहाँ पे सबके सबका डिसीजन लिया जाएगा यहाँ पे, और कश्मीर के मुद्दे पे सबका डिसीजन कैसे लिया जा सकता है, तो कोई भी डिसीजन लिया जाए, कोई भी इनिशिएटिव वो सार्क में वही चल सकता है जिसमें सबका डिसीजन यहाँ पे लिया जाए। पाकिस्तान जो है वो हमेशा भारत का कोई भी इनिशिएटिव, जैसे अभी लिया हमने COVID-19 पे, अगर कोई भी इशू, कोई भी ऐसी कोशिश हम पहले करते हुए आए हैं और किया था हमने, उस पर पाकिस्तान जो है उसको इग्नोर करने की कोशिश करता है, अंडरमाइन करने की कोशिश करता है और कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता है कि भारत के द्वारा जो इनिशिएटिव शुरू हुआ है वो भारत को फ़ायदा देगा, भारत की लीडरशिप दर्शाएगा। ये नहीं देखता कि इस इनिशिएटिव से पाकिस्तान को भी क्या फ़ायदा होगा, ये देखता है कि भारत को फ़ायदा ना हो। और जिस तरीके से टेरर का यूज़ हो रहा है, नॉर्मल बिजनेस जो है इम्पॉसिबल हो चुका है। तो सडनली दुनिया ट्रांसफॉर्म हो रही है, कहते हैं ना कि इनोवेशन तभी होता है जब नेसेसिटी हो, सी नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इनोवेशन, ठीक है। तो जब ज़रूरत पड़ती है, जब चैलेंजेस आते हैं, तब मजबूरी में भी जो है ऐसे काम करने पड़ते हैं। आपको पता है कई बार ऐसे फ्लू आ चुके हैं साउथ एशिया में भी, जिन्होंने मासिव डेथ्स की थी और ऐसे ऐसे थे जो आप सोच भी नहीं सकते। तो बेसिकली कोई डाउट नहीं है कि COVID-19 का जो इम्पैक्ट होगा काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड होगा, आज तक कभी देखा नहीं गया होगा। लेकिन इसके परिणाम जज करना, परिणाम का अनुमान लगाना बहुत जल्दी हो जाएगी, अभी अभी नहीं लगाना चाहिए, और हमको काफ़ी साल लग जाएंगे कि हम पूरी तरीके से इसको ख़त्म कर सकें। मतलब ख़त्म भी अगर मान लो 2-3 महीने में हो जाए, तो फैमिलियर जो वर्ल्ड था हमारा, जो टूरिज्म एक्टिविटीज़ रुकी हुई हैं, इकोनॉमी जो है वापस पटरी पर आ जाए, इसके लिए काफ़ी साल लग जाएंगे। तो स्ट्रेटेजी ज़रूरी है कि हम इस वायरस से लड़ सकें। और बेसिकली यूनाइटेड किंगडम में आप देखो कि ऐसे खतरनाक खतरनाक आइडिया चल रहा है कि वहाँ पे लोगों को जो है इन्फेक्ट छोड़ रहे हैं, वहाँ की सरकार जो है यूनाइटेड किंगडम में लोगों को, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्क नहीं है, उन लोगों को अगर इन्फेक्शन हो जाता है जिन लोगों में रिस्क नहीं है, तो उनको छोड़ रही है बिना इलाज के, ये सोच रही है कि इससे जो है इम्यूनिटी बढ़ जाएगी उनकी। तो डिजास्ट्रस चीज़ ऐसी हुई है, क्योंकि इस टाइम में इस तरीके के काम करना काफ़ी गलत है। तो ऐसा काम कभी हमारे साउथ एशिया में ना हो, ऐसा कोई कंट्री नहीं करे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है यहाँ पे अच्छे से काम करें। और कम्युनिटी ट्रांसमिशन रोकना, कंटेनमेंट इसका रोकना, ये दो प्रिंसिपल हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काम आएंगे। एक तो इसको रोकना, कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकना, क्योंकि अगर
कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ और कंटेन नहीं किया गया इसको, तो परिणाम काफ़ी भयानक हो सकते हैं। तो आज समय है, अपॉर्चुनिटी है सार्क के लिए कि हमारे एक्सपर्ट्स मिलके सोचें, समझें, एक्ट करें एक साथ, और भारत इस चीज़ को लीड कर सकता है। ये इट इज़ एविडेंट, ये सबूत आपके सामने है कि मोदी जी जिस तरीके से ये सोच निकाल के लाए फॉरेन पॉलिसी पे आउट ऑफ द बॉक्स, 2014 में इन्होंने जो है सार्क लीडर को सरप्राइज़ किया था, दुनिया को सरप्राइज़ किया था, अपने जो इन्होंने जो शपथ ली थी शपथ ग्रहण समारोह पे सार्क लीडर्स को इन्होंने बुलाया था इनोग्रेशन के टाइम पे, 2015 में भी जो है इन्होंने पीएम जो मनमोहन सिंह जी थे उनका सपना इन्होंने सच किया जब ये पाकिस्तान जो है सरप्राइज़ देने चले गए थे। तो बेसिकली आप देखो वहाँ मिलने चले गए थे पाकिस्तान के पीएम के साथ, तो आपको याद होगा वो चीज़। तो ये जो कोविड 19 की ट्रेजेडी है ये अपॉर्चुनिटी देती है भारत को कि हम इस रीजन में कंट्रीज़ के साथ मिलके शांति बनाए रखें। अभी जिस तरीके से जो है पाकिस्तान के साथ हमारा ट्रेड रुका हुआ है, बांग्लादेश हमारे ऊपर शक कर रहा है, और जो किस तरीके से नेपाल और श्रीलंका हमसे दूर जा रहे हैं इस समय में, मुसीबत के समय में जब चाइना भी पीछे हो रहा है, इन कंट्रीज़ को साथ लाना बहुत ही आवश्यक है। और एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे आप देख सकते हो कि ये आप एक रीजन में हमारी जो लीडरशिप है वो वापस दर्शाने की कोशिश हो सकती है। इस अपॉर्चुनिटी को हम मिस नहीं कर सकते क्योंकि अब जो है बीज हमने बो चुके हैं, न्यू साउथ एशिया की सीड्स हम डाल चुके हैं। इस प्लांट, ये जो प्लांट बनेगा, ये जो सीड, इसके फ्रूट्स हमको जल्द ही देखने को मिलेंगे। क्राइसिस हिट ईरान एट क्रॉस रोड, ईरान अभी क्राइसिस में, कोविड 19 देख लो चाहे यूएसए के सैंक्शंस देख लो, तो इस पर बात हम नहीं करेंगे क्योंकि वही बातें हैं जो अब तक चलती आ रही हैं। क्लोजिंग द जेंडर गैप इन साइंस, ये पढ़ने से पहले मैं आपको इस आर्टिकल में बता दूं, देखो अभी हाल ही में ये सामने आया कि केरला जो है और भारत जो है वो अभी इतना खतरनाक तरीके से काम नहीं कर रहे जितना करना चाहिए था, क्योंकि एग्रेसिव जिस तरीके से दुनिया हो रही है, इंडिया अभी भी जो है लोअर टेस्टिंग रेट में आ रहा है, मतलब हमारी टेस्टिंग स्ट्रेटजी इतनी मजबूत नहीं है। क्योंकि अब तो फिर भी हमने सारे वीज़ा कैंसिल कर दिए, लेकिन अभी भी उन हम लोगों को आइसोलेट कर रहे हैं जो कि सिम्टम्स दिखा रहे हैं, जो सिम्टम्स नहीं दिखा रहे उनको हम आइसोलेट नहीं कर रहे हैं। केरला की अगर मैं बात करूँ तो केरला में जो लोग सिम्टम्स दिखा रहे हैं, मिल्ड सिम्टम्स, हल्के हल्के, उनको तो आइसोलेट किया ही नहीं जा रहा, उनको तो छोड़ दिया जा रहा है कि भाई इनको तो सिम्टम्स नहीं है। जो हाई जो सिम्टम्स दिखा रहे हैं सीवर, उनको यहाँ पे लिया जा रहा है। अब वजह क्या दी जा रही है सरकार के द्वारा, केरला सरकार के द्वारा, कि हम अगर छोटे छोटे सिम्टम्स वाले लोगों को देख लेंगे तो जो सीवर सिम्टम्स, गंभीर जो सिम्टम्स वाले जो लोग हैं वो छूट जाएंगे, समय की बर्बादी यहाँ पर हो जाएगी। अब जिस तरीके से ICMR की लैब्स टेस्टिंग कर रही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में इसकी टेस्टिंग कर रही है, और लैब्स जो हैं वो धीरे धीरे ये जो मतलब ये जो इनके जो केसेस आ रहे हैं इनको देख रही हैं, तो यहाँ पे केरला ऐसा नहीं कर सकती, ऐसी बहाने नहीं डाल सकती कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि लैब्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा हैं और केसेस अभी भारत के पास कम है। तो मिल्ड सिम्टम्स, हल्के सिम्टम्स वालों को भी अगर चेक कर लें तो कोई समय की ना बर्बादी होगी, ना लैब्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, लेकिन उतना सफिशिएंट हमारे पास अभी समय है और उतने केसेस अभी इतने नहीं आए कि हम मिल्ड सिम्टम्स वालों को छोड़ दें, और आगे जाके अगर वो सीवर सिम्टम्स दिखाएं, अगर कम्युनिटी ट्रांसमिशन कर दें तो फिर क्या बोलोगे आप, है ना। तो यहाँ पे जो केरला है उसको ध्यान रखना चाहिए, और टेस्टिंग स्ट्रेटेजी पिछले आगे अब आने वाले कुछ 10-20 सालों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जानी चाहिए। क्योंकि देखो जितनी भी कंट्रीज़ में वायरस आया, अब आप एक चीज़ नोट करेंगे कि एक सप्ताह में जो है कुछ केसेस आए, और अगले सप्ताह में 100-200 केसेस आए होंगे, और फिर जो है थर्ड वीक में एकदम से 600-1000 केसेस बढ़े। भारत में अभी जिस तरीके से पहले 10-20 केसेस आए, अब 100 के आसपास है, अब ये जो अगला वीक है अगर इसमें केसेस जो हैं ज़्यादा हो गए तो फिर जो केसेस है वो कोई नहीं रोक सकता। तो अगले जो 10 दिन है पूरी तरीके से शटडाउन होना चाहिए अभी, क्योंकि अगले जो 10 दिन है ना वो बहुत खतरनाक होने वाले हैं। उनमें अगर केसेस बढ़ गए 600 या 1000, तो फिर जो है लाखों में भी केसेस पहुँच सकते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर ये 10 दिन हमने कंट्रोल कर लिया तो भारत जीत सकता है कोविड 19 से, लड़ सकता है आराम से। क्लोजिंग द जेंडर गैप इन साइंस, देखो ये आर्टिकल पे बात हो रही है जेंडर गैप की। इंडिया नेशनल साइंस डे मनाता है 28 फरवरी को हर साल, जो हमारा सीवी रमन जो थे उनकी जो डिस्कवरी थी उनको याद करने के लिए, उनको मार्क करने के लिए 33 साल जो है
हो चुके हैं जब से हमने इसकी शुरुआत की, और रिसर्च जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो एकेडमिक सेंटर्स हैं देश भर में, वो कुछ कुछ टॉपिक्स को लेकर दुनिया भर में, देश भर में इसका प्रचार कर रहे हैं। थीम है हमारी वुमेन इन साइंस इस बार की, वुमेन इन साइंस। समय के अनुसार टाइमली और रिलेवेंट ये थीम है, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पे सीवी रमन का ही क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि जब वो डायरेक्टर थे तो उनके कार्यकाल में, उनके टेन्योर में वुमेन्स को जो है अलाउ नहीं किया जाता था पीएचडी लेने, और काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो उनकी बात हम नहीं करेंगे, हम ये बात करेंगे आखिर वजह क्या है, क्यों जो है वुमेन जो है वो अपना टैलेंटेड दिखाने में समर्थ नहीं हो पाती, क्यों जो है यूएस और यूके में ये सब सफल हो चुकी हैं। तो देखो, जो स्टोरीज है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, वो हमें बताएगी किस तरीके से जो है शुरू से ये सब चीज़ें चलती आई हैं, और अभी क्या हमारे सोशल और ऑर्गेनाइजेशन कंडीशन है। देखो, वुमेन जो पिछड़ी हुई हैं कुछ भी, चाहे वो साइंस में देख लो, चाहे टेक्नोलॉजी में देख लो, चाहे वो इंजीनियरिंग में देख लो, उसकी दो वजह है, एक तो सोशल और एक ऑर्गेनाइजेशनल। अब आप बोलोगे यार सोशल वजह तो ये ठीक है यार, जो यहाँ पे पैट्रियार्चल सोसाइटी है, वुमेन को स्कूल नहीं जाने दिया जाता, ठीक है शादी करवाई दी जाती है। ऑर्गेनाइजेशनल क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ये है कि उनको जो है आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही। भाई कलीग जो है वो वुमेन से कैसे बिहेव करते हैं, जेंडर एटीट्यूड कैसा है, जैसे महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जवाहरलाल नेहरू ने कोशिश की कि यहाँ पे वुमेन को इंकरेज किया जाए, खास करके अपर जो रिच जो सेक्शन वाली जो सोसाइटी है उसकी जो वुमेन है उनको, ताकि पब्लिक स्पेस में एंटर तो हैं। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ लेकिन काफ़ी इनकम्प्लीट था, क्या ये जेंडर गैप को कम करने की जो कोशिश थी उसको पूरा कर पाया? नहीं। तो कल्चरल और सोशल कोशिश तो हमेशा से बने रहेंगे, जो वुमेन की जो जो मेल का जो एटीट्यूड है और वुमेन का भी एटीट्यूड है कि वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरीके से माहौल बनाया गया है कि वो सोचते हैं कि हम किचन में ही रहेंगे, हमारे लिए जो है हम क्या कर सकते हैं, नहीं नहीं हमारे बस की बात नहीं है। तो जो एक तरीके से जो इन्वायरमेंट बना हुआ है वो कल्चरल और जो सोशल जो यहाँ पे कॉजेज है वो तो है ही, प्राइमरी रीजन है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। और सोशल कॉजेज आपको पता है, कल्चरल कॉजेज आपको पता है, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स की हम इस आर्टिकल में बात करने जा रहे हैं। और अगर ये चेंज हो गया, ये चेंज हो सकता है अगर वुमेन को लीडरशिप पोजीशन दी जाए, क्योंकि वुमेन जो है बेसिकली वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनकी काफ़ी कमी है रोल मॉडल्स के तौर पर, और फील्ड में जो है एंटर करने से इनको रोका जाता है। प्री इंडिपेंडेंस डे की मैं बात करूँ, आज़ादी से पहले, तो वुमेन की जो पार्टिसिपेशन में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखी गई थी, और आज भी अगर हम देखें तो यूके और इंडिया में जो है कोर्सेज लेने वाले सेम ही है, मतलब यूके में जितनी वुमेन पढ़ रही हैं, जितनी परसेंटेज वुमेन एक टेक्नोलॉजी में काम कर रही हैं पढ़ रही हैं, उतनी ही भारत में सेम बिल्कुल, ठीक है पीएचडी जितनी है पीएचडी होल्डर्स यूके में है वुमेन, उतनी पीएचडी होल्डर्स भारत में। तब आप बोलोगे फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत भैया आगे शुरू होती है लीकी पाइपलाइन प्रॉब्लम, जिसको बताया जा रहा है कि ये पढ़ तो लेती हैं, वुमेन एजुकेशन क्वालिफिकेशन ले तो लेती हैं, लेकिन इनकी जॉब लग जाए वो बड़ी मुश्किल, जॉब लग जाए तो ऊंची पोजीशन में चल जाए तो वो बड़ी मुश्किल। डाटा है इसका, 20% से कम वुमेन है फैकल्टी जो पोजीशंस हैं, कुछ ही वुमेन है जो टॉप ऑफ द पोजीशन पे पहुंच पाते हैं, इंस्टीट्यूट हो चाहे यूनिवर्सिटी हो, क्योंकि पढ़ते समय तो उनका ध्यान रहता है लेकिन जब वो आगे बढ़ जाती हैं, पढ़ाई कर लेती है तो उनकी शादी हो जाती है, फिर वो मदर्स बन जाती हैं, फैमिली की प्रेशर की वजह से आगे काम नहीं कर पाती। तो ये प्रॉब्लम जो है ये सब जानते हैं हमारी जो इंडियन साइंस अकेडमीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब समझती हैं, लेकिन ये शुरुआत नहीं करते। तो रिफॉर्म वहीं से ही होना चाहिए। आप देखोगे जितने भी रिसर्चर्स हैं, जितनी भी थ्री साइंस, अच्छा मैंने थ्री अगर साइंस अकेडमीज़ को मिला दूँ तो केवल 10% वुमेन फेलोज़ हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन राइट पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो वुमेन को साइंस में लाना ही एक बहुत बड़ी बात है और ज़रूरी भी है। इससे क्वालिटी ऑफ साइंस भी जो है इम्पैक्ट होती है। भाई अगर ज़्यादा वुमेन रिसर्चर्स हैं, ज़्यादा वुमेन डॉक्टर्स हैं, तो जो गैप है वो मिटेगा हमारे रिसर्चर्स का, वुमेन जो है अच्छे से काम कर पाएंगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्थिति अभी पूरी तरीके से होपलेस है, क्योंकि वुमेन को शादी करनी पड़ती है, प्रेग्नेंट होना ही पड़ता है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं जो हमको एक तरीके से आशा दे जाते हैं, कि जैसे वुमेन जो है आजकल इंजीनियरिंग में काफ़ी ज़्यादा जो एंगेज हो रही है,
पीएचडी काफ़ी ज़्यादा कर रही हैं, तो बस कोशिश ये की जाए कि इनकी जो नौकरियां हैं, इनको जो नौकरी मिले, कुछ ऐसी जगह है जहां पे जिनको केवल मेन के लिए माना जाता था वहां पे वुमेन एंटर कर रही हैं। जैसे स्पेस आप देख लो, चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ तो वुमेन इंजीनियर्स की काफ़ी ज़्यादा भागीदारी थी। तो हम कोशिश ये कर सकते हैं कि हम जो है इनको लीडरशिप पोजिशन पर पहुँचा दें एक बार, लेकिन ऐसा जो है होता नहीं है क्योंकि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 आया जिसमें 153 जो है इकोनॉमिक्स का सर्वे देखा गया, 112 हमारी रैंक थी 2018 में, 108 थी, तो गिरी यह रैंक, बढ़ी नहीं है। तो वुमेन अगर इतनी ज़्यादा इंजीनियरिंग में प्रवेश कर रही है, इतनी ज़्यादा पीएचडी होल्डर्स हैं, तो फिर रैंक गिरी क्यों? लीकी पाइपलाइन प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया, लीडरशिप पोजीशन पर नहीं पहुंच पाती, ऊंची फैकल्टीज़ पर नहीं पहुंच पाती क्योंकि प्रेग्नेंट हो जाती हैं या फैमिली प्रेशर की वजह से काम छोड़ देती हैं। तो रिपोर्ट जो थी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन रिलीज करता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। रिपोर्ट ये कहती है कि आज जो है 100 साल हो गए, नहीं मतलब हमको 100 साल लगेंगे भारत को इस जेंडर गैप को मिटाने के लिए, कम से कम 100 साल लगेंगे। तो भारत को ये जो प्रेडिक्शन है, भारत को ये जो बात, इसको गलत प्रूव करना पड़ेगा। इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी को मिलकर यहाँ पे काम करना पड़ेगा क्योंकि इनको ही एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करके इस इशू पे फोकस करना पड़ेगा और कॉन्क्रीट मेजर्स लाने पड़ेंगे। पहला स्टेप ये ले सकते हैं कि इंडिया जो है कुछ कानून को रिलैक्स कर सकता है, जैसे कि अभी 12 वीक्स जो हमारी मेटरनिटी लीव मिलती थी अब उसको 26 वीक किया गया। तो इस तरीके से जो है काम कर सकता है, कानून जो है वो आसान हो जाए, नॉर्म्स अगर रिलैक्स हो जाए वुमेन के लिए, तो वुमेन की भागीदारी जो है बढ़ सकती है। साइंस का जो इतिहास है, विज्ञान का जो इतिहास है, वो ये कहता है कि कई सारी रिवोल्यूशनरी डिस्कवरीज हैं, ऐसी खोज है, इनोवेशंस है जो वुमेन साइंटिस्ट ने की थी। सबसे ज़्यादा फेमस तो मैरी क्यूरी हैं और कुछ भी हैं जिनका नाम आप देख सकते हैं, बहुत सारी है। तो यहाँ पे भारत में कई हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशंस किए और इनके कंट्रीब्यूशंस को जो है टेक्स्ट बुक में दिखाना जरूरी है। तो ये जो लीकी पाइपलाइन प्रॉब्लम है कि भाई यहाँ पे लीकी पाइपलाइन में से लीक हो रहा है, मतलब वुमेन पढ़ रही हैं लेकिन जॉब करने जब जाती है तो वहाँ से निकल पा रही हैं, वहाँ से एडमिशन नहीं ले पा रही, या जॉब पे जो है ऊंची फैकल्टीज ऊंची पोजीशंस पे नहीं पहुंच पा रही, इसे लीकी पाइपलाइन प्रॉब्लम कह रहे हैं। तो सब जब तक इंस्टीट्यूशन खुद, जब तक वहाँ के यूनिवर्सिटी, जब तक हमारी एकेडमीज खुद अगर सपोर्ट नहीं करेंगी, वुमेन जब प्रेगनेंट होती हैं तब तक जो कैसे काम होएगा, क्योंकि वुमेन जब प्रेग्नेंट होती है तो उनको चिंता होती है कि यार प्रेग्नेंट हो गई काम कैसे करूँगी, प्रमोशन कैसे मिलेगा, फील्ड वर्क कैसे होगा, घर पे बैठे बैठे तो कितना काम हो सकता है, ज़्यादा लैब में जाना ही पड़ता है। तो इंस्टीट्यूशन जब तक सपोर्ट नहीं करेगा तब तक कैसे वुमेन जो है काम करेगी, इसके चक्कर में वो छोड़ देती हैं। तो वुमेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को लेकर चिंतित होती हैं कि अगर हमने जो नौकरी कर भी ली लेकिन फिर जो है दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी, फिर प्रोडक्टिविटी अगर आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि देखो रिसर्च में जितने ज़्यादा नंबर आप पब्लिश, जितने ज़्यादा पेपर आप पब्लिश करते हो, जितनी ज़्यादा रिसर्च आप कम करते हो, वही बताता है कि कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपकी है। तो यहाँ पर इंडियन वुमेन रिसर्चर्स भी ऐसी हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट अच्छे किए, एक्साइटिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए। तो यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा कि हम इन जो इंस्टीट्यूशनल ऑब्स्टेकल हैं इनसे बाहर निकले, क्योंकि सोशल चेंज तो आ रहा है, कल्चरल चेंज तो आ रहा है, महिलाएं अब और ज़्यादा जो है यहाँ पे अवेयर हो रही हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक बार जो है काम हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो है वुमेन को हेल्प मिलेगी साइंटिफिक फील्ड में एंटर होने से। ठीक है, तो गाइज ये तो हमारी थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।